बलरामपुर की तीनों तहसीलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मार्गों पर पानी आने से जहां आवागमन बंद है, वहीं लगभग तीन दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और उतरौला तहसील के पालापुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और उनके लिए हर संभव मदद तत्काल की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा शासन ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि हर जनपद को उपलब्ध कराई है, नाव की पर्याप्त व्यवस्था है, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तथा पीएसी की फ्लड कंट्रोल यूनिट को भी जिलों में तैनात किया गया है। बचाव और राहत के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी यहां पर चर्चा की है। यहां पर एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट पहले से कार्य कर रही है। हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था, बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम के माध्यम से राहत और बचाव के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है। हर प्रभावित परिवार को समय से राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए, ये सरकार की मंशा है और इसी के तहत स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। आज यही है बाढ़ वाली जो वितरित हो रहा था कार्यक्रम, इनका बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वितरित किया सभी को, जो लाभार्थी थे उनको मिला। आटा है, दाल है, चावल है, आलू है और कुछ खाने पीने के सामान है, बिस्कुट है, ये सब मिला हुआ।